नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है ये आपको निकालना है। तो लिखेंगे कि माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष सोनू की वर्तमान आयु बराबर में y वर्ष। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न से क्या कह रहा है। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो आपको एज वाले क्वेश्चन बताया कि एक तरफ x लिख दीजिए एक तरफ y को लिख दीजिए। 5 वर्ष पूर्व की बात किया तो दोनों में से 5-5 साल घटा दिए, क्योंकि 5 साल पहले दोनों 5-5 साल छोटे होंगे। कह रहा है कि 5 साल पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो ये है नूरी और ये है सोनू, तो सोनू की आयु की ये 3 गुनी थी, तो 3 से इसमें गुना करेंगे ना ताकि ये बराबर हो जाए। चलिए x-5 बराबर हो जाएगा 3y-15, इसको इधर लाते हैं इसको उधर ले जाते हैं, तो x-3y बराबर -15 + 5 यानी कि x-3y बराबर -10, समीकरण 1 हो गया। फिर देखते हैं यहीं बगल में ही कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, अच्छा एक तरफ x लिख देना है और एक तरफ y लिख देना है, 10 वर्ष पश्चात यानी कि दोनों में 10 जोड़ दीजिए, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए x+10 बराबर हो जाएगा 2y+20, इसको इधर लाते हैं तो x-2y = 20 और इसको इधर ला देंगे -10, यानी कि x-2y = 10, ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर है, अब चलिए इसको बना देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्योंकि देखिए इसमें भी नहीं गुना करना है, x के गुणांक दोनों का सेम है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से x-3y = -10 और x-2y = 10, समझ गए। चलिए साइन बदलते हैं, -++ ये वाला कट जाएगा ना, यहाँ देखिए माइनस का 3y है, ये माइनस यहाँ देखिए ये माइनस हट गया है, यहाँ पे प्लस का आ गया है, तो माइनस का 3y और प्लस का 2y यानी माइनस का y आ जाएगा और बराबर में ये दोनों माइनस का है तो माइनस का 20 यानी y बराबर कितना आ गया यहाँ से 20, तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रखना होगा ना। चलिए तो लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, 2 सरल दिख रहा है, 2 में रखने पर क्या है x-2y = 10, तो x-2y की जगह कितना 20 ना बराबर में 10, यानी कि यहां से आ जाएगा x-40 = 10, यानी कि x बराबर हो जाएगा 10+40 यानी कि 50, तो यहां लिख सकते हैं इसलिए नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष है ना, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना, y का मान कितना है 20 ना 20 वर्ष। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो को तब यहीं पे एंड कर देते हैं, ध्यान देंगे कि आप इस एक्सरसाइज में 3.4 में जो क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसको आप हर एक को प्रतिस्थापन विलोपन से बनाइएगा और 3.3 वाले क्वेश्चन को भी दोनों विधि से बना लीजिएगा, प्रतिस्थापन तो बनाए ही है उसमें लेकिन विलोपन द्वारा ही बना लीजिएगा, दोनों विधि से बनाइएगा। इसलिए दोनों से कह रहे ना, क्योंकि जब तक आप दोनों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक रहेगा उसके लिए आगे फ्यूचर में। आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन जो देता है हमेशा एक क्वेश्चन आएगा ग्राफीय विधि से, ठीक है, ग्राफीय विधि से आपको बनाने के लिए एक दे देगा ग्राफीय विधि से, और एक क्वेश्चन जो देगा आपको किसी भी विधि से दे सकता है। ठीक है, तो ग्राफीय से तो फिक्स ही रहता है कि ग्राफीय विधि से बनाना है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पेंट कर देते हैं, आपको बता दें कि हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट के अदर पब्लिकेशन के वीडियोस अवेलेबल है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करेंगे, और आपको सभी के लिंक्स की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301-77-8899 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सएप मैसेज आपको जो जरूरत होगा हम एसएमएस
का रिप्लाई जरूर देंगे टाइम मिलने पे, ठीक है। तो प्लीज आप कॉल नहीं करेंगे, कॉल कोई इस पे रिसीव नहीं किया जाता है, आप ओनली एसएमएस द्वारा अपना बात हमारे पास रख सकते हैं। आपको जिस चैप्टर के लिंक की जरूरत हो वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।